हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपनी बात करेंगे राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो किसे कहा जाता है? गोडावन को कहा जाता है। तो देखते हैं गोडावन को किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो गोडावन से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं गोडावन की, राज्य पक्षी की। तो सबसे पहला पॉइंट जो अपने को पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए कि इसको कब राज्य पक्षी का जो है वो दर्जा मिला था। तो 21 मई ध्यान में रखना है, 21 मई, ठीक है, 21 मई 1981 को क्या मिला था इसको? राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। राज्य पक्षी का दर्जा जो है इसको प्राप्त हुआ था। राज्य पक्षी का गोडावन को दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो वो कब प्राप्त हुआ था? 21 मई और 1981 को इसका क्या हुआ था, राजस्थान का राज्य पक्षी के रूप में इसको दर्जा मिला। उसके बाद में वैज्ञानिक नाम से इसका क्वेश्चन जो है वो पूछा लिया जाता है। वैज्ञानिक नाम जो है इसका क्या है ये पूछ लिया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम में, क्या है इसका नाम, क्या है? क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स जो है इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। इसको क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स क्या पुकारा गया है? वैज्ञानिक नाम से पुकारा गया। और इसकी बात करें कि इसकी लोक स्थानीय भाषा के अंदर इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। इसको सोनचिड़ी भी कहते हैं, ठीक है, हुकना भी कहते हैं, और इसको शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। अगर वहीं पे अपने बात करें इसके उपनामों की, या अपने बात करें कि स्थानीय भाषा के अंदर इसको क्या बोलते हैं, तो स्थानीय भाषा के अंदर इसको क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं क्या? शर्मिला पक्षी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शर्मिला पक्षी भी बोलते हैं। स्थानीय भाषा के अंदर इसको क्या बोलते हैं? शर्मिला पक्षी भी बोल देते हैं। वहीं पे इसको क्या बोलते हैं? सोनचिड़ी बोलते थे। क्या बोलते हैं? सोनचिड़ी, ठीक है, सोनचिड़ी या शर्मिला पक्षी जो है इसके क्या है? स्थानीय भाषा के नाम है, ठीक है। वहीं पे अगर बात कर लें उपनामों की, इसके उपनाम कौन कौन से हैं? उपनामों से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसका बोलते हैं सारंग। इसको क्या बोलते हैं? सारंग भी बोलते हैं। इसको हुकना भी बोलते हैं, सारंग हुकना बोलते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं? हुकना के बाद में इसको तुकदर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तुकदर। और इसको क्या बोल देते हैं? बड़ा तिलोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बड़ा तिलोर बोलते हैं। वहीं पे एक और नाम ध्यान रख लेना, इसको गुदनमेर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गुदनमेर। ये क्या हो गए, इसके उपनाम हो गए। कौन कौन से उपनाम हैं? एक तो इसको बोलते हैं सारंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? हुकना बोलते हैं, इसी को तुकदर बोलते हैं, इसी को बड़ा तिलोर या बड़ा तीतर भी बोल देते हैं, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? गुदनमेर भी बोलते हैं। स्थानीय भाषा के अंदर किस नाम से पुकारा जाता है? शर्मिला पक्षी हो गया, सोनचिड़ी हो गया। बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी जो हाइट होती है वो लगभग कितनी होती है? इसकी हाइट लगभग, इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? लगभग इसकी ऊंचाई होती है 4 फीट की। कितनी होती है लगभग इसकी ऊंचाई? 4 फीट, ठीक है। वहीं पे कलर की बात करें, इसका रंग जो है वो कैसा होता है? तो इसका ऊपर का जो रंग है, इसका ऊपरी रंग जो है वो कैसा होता है? पीला होता है। इसका ऊपरी रंग हल्का पीला या पीला बोल सकते हैं। जबकि वहीं पे बात करें अपने कि इसकी सिर का ऊपर का रंग जो होता है, सिर के ऊपर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। सिर के ऊपर का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी रंग तो कैसा हो गया? पीला। सिर के ऊपर का रंग कैसा हो गया? नीला, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ज़्यादा जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, या अपने छोटे से पॉइंटों की और बात कर लेते हैं कि इसी की आकृति जो है वो किस प्रकार के? शतुरमुर्ग के समान है। शतुरमुर्ग देखा है ना, शतुरमुर्ग, ठीक है, ये कैसा लगता है? शतुरमुर्ग जैसा क्या है? पक्षी है। ये शतुरमुर्ग जैसा क्या है? पक्षी है। शतुरमुर्ग जैसी पहचान रखता है अपनी, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, ये शतुरमुर्ग के साथ साथ में गुजरात एरिया के अंदर भी, गुजरात, ठीक है, अपने राजस्थान की बात करें, लेकिन कुछ गोडावन कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के अंदर भी पाए जाते हैं। गुजरात में देखने को मिल सकते हैं, या मिलते हैं, ठीक है। कुछ गोडावन जो है वो कहाँ पर मिलते हैं? गुजरात में देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट है इसके महत्वपूर्ण? 21 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी का दर्जा प्राप्त हुआ। वैज्ञानिक नाम इसका क्रायोटिस नाइग्रेसेप्स बोलते हैं। स्थानीय भाषा के अंदर इसको शर्मिला पक्षी या सोनचिड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं भी बात करें उपनाम की, तो इसको सारंग हुकना या तुकदर या बड़ा तिलोर या इसी को क्या बोलते हैं? गुदनमेर बोलते हैं। लगभग इसकी ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फीट है।
ऊपरी रंग जो है इसका हल्का पीला या पीला होता है, जबकि सिर के ऊपरी का रंग इसका कैसा होगा, नीला होगा। शतुरमुर्ग जैसा दिखाई देने वाला पक्षी है ये, और कुछ प्रजातियां जो है इसकी कहाँ पाई जाती है, गुजरात के अंदर भी अपने को देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है उसकी अभी चर्चा करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने मैं इसको रफ कर दूँ, उसके बाद हम बात करेंगे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो इसको ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, ज़्यादा एक तो अजमेर हो गया और बारा हो गया, ठीक है, अजमेर बारा, और अपने क्या बात करेंगे, जैसलमेर की बात करेंगे, क्योंकि जैसलमेर के अंदर क्या है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है। जैसलमेर के अंदर क्या है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है। तो जैसलमेर के अंदर पहले बात करते हैं बारा की, ठीक है, कि बारा के अंदर कौन सी जगह जो है वहाँ पे पाया जाता है। तो बारा के अंदर एक जगह है सोरसन, सोरसन, ठीक है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, सोरसन बारा, सोरसन बारा में क्या क्या पाया जाता है, इसकी प्रजातियाँ जो वो ज़्यादा अपने को देखने को मिलती हैं। वहीं पर बात करें अजमेर की, तो अजमेर के अंदर सोकलिया, क्या ध्यान रखना है, सोकलिया, अजमेर में सोकलिया के अंदर क्या पाया जाता है, अजमेर में, ठीक है, सोकलिया में क्या पाया जाता है, ये देखने को गोडावन जो है मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। वहीं बात करें तीसरे पॉइंट के अंदर, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है, कौन सा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैंने पढ़ा रखा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जितने भी मरु उद्यान करवाए हैं, उद्यान उद्यान की जितने भी राष्ट्रीय मरु उद्यान है उनकी मैंने लिस्ट जो है प्लेलिस्ट अंदर अलग से बना रखी है चैनल पर, तो आप वहाँ पे जाके अपने राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पढ़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो कहाँ पे है, जैसलमेर में है, जैसलमेर, और वहीं पे है बाड़मेर। तो इसको ज़्यादा देखने को कहाँ पे मिलेंगे, अपने को सोरसन बारा में मिलेंगे, सोकलिया अजमेर के अंदर मिलेंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर इनको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्रजनन सेंटर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रजनन स्थान जो है वो कहाँ पे है, तो जोधपुर के अंदर जो पक्षी जंतुआल्य है, ठीक है, ये अपने बोल सकते हैं कि जंतुआल्य है जोधपुर के अंदर, तो वहाँ पे इसका क्या है, प्रजनन संस्था जो है इसकी बनी हुई है। तो इसका प्रजनन सेंटर या प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो गोडावन का प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, गोडावन का प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर, प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, जोधपुर में है। और इसका प्रजनन काल की बात करें वहीं पे, ठीक है, काल पूछ ले कि प्रजनन काल जो है इसका कब है, प्रजनन काल जो है इसका कब है, तो इसका प्रजनन काल है अक्टूबर नवंबर, क्या है, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर जो है इसका क्या है, प्रजनन काल है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गोडावन का प्रजनन केंद्र कहां पे है, इसको प्रजनन जो है इसका कहां पे करवाया जाता है, तो गोडावन राज्य पक्षी का प्रजनन केंद्र जो है वो जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर के अंदर है, और प्रजनन काल जो है इसका कौन सा महीना है, अक्टूबर नवंबर का महीना जो है इसका क्या माना गया है, प्रजनन काल माना गया है। इसी को अपने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर क्या बोलते हैं, माल मोरड़ी बोलते हैं, हाड़ौती क्षेत्र वाले क्या बोलते हैं, हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र वाले लोग, हाड़ौती क्षेत्र वाले लोग क्या बोलते हैं इसी को, हाड़ौती क्षेत्र वाले लोग, लोग इसको क्या बोलते हैं, माल मोरड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माल मोरड़ी, ठीक है, माल मोरड़ी के नाम से किसको जाना जाता है, तो माल मोरड़ी के नाम से गोडावन को जाना जाता है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हाड़ौती क्षेत्र वाले लोग हैं, वो इसको क्या बोलते हैं, माल मोरड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सी बातें हुई, ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, सोरसन बारा, सोकलिया अजमेर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में मिलेगा, इन तीनों जगह पर अपने को ज़्यादा जो है वो क्या देखने को मिलेगा, गोडावन देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें प्रजनन केंद्र इसका कहाँ पर स्थित है, तो प्रजनन केंद्र इसका है जोधपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर के अंदर भी इसका प्रजनन, वहां पे काल पूछ ले कि प्रजनन काल इसका कौन सा महीना है, तो अक्टूबर नवंबर का जो महीना है इसका प्रजनन काल है। हाड़ौती क्षेत्र वाले इसको क्या बोलते हैं, तो हाड़ौती क्षेत्र वाले इसको माल मोरड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं इसका भोजन, ठीक है, भोजन, अरे भाई राष्ट्रीय पक्षी पढ़ रहे हैं, इसका भोजन भी तो जरूरी है, बेचारा भोजन नहीं करेगा तो स्वस्थ कैसे रह पाएगा। तो भोजन की अगर बात करें तो भोजन इसका क्या है, मूंगफली, मूंगफली व तारामीरा, तारामीरा, मूंगफली व तारामीरा जो है वो इसका प्रमुख भोजन है, किसका, गोडावन का। मूंगफली व तारामीरा क्या है, प्रमुख इसका भोजन है। एक पॉइंट और विशेष तौर पे ध्यान में रखना है कि 5 जून 2013 को क्या किया गया था, ग्रेट बास्टर्ड, या सीधा बोल देंगे इंडियन बास्टर्ड, इंडियन बास्टर्ड, बस्टर्ड, ठीक है, इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया था, प्रोजेक्ट क्या चलाया गया था, इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया था, कहाँ पे, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर।
राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर इंडियन बस्टर्ड एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, किसके संरक्षण के लिए, गोडावण के संरक्षण के लिए, क्योंकि गोडावण की प्रजातियां जो है वो शिकारियों के कारण, लोग क्या करते हैं इसका शिकार करके इसको मार के खाते हैं, तो मार के खाने के कारण इसकी प्रजातियां जो है बेचारी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, अभी गोडावण देखने को मिल ही नहीं रहा। तो आने वाली भविष्य के अंदर जो अपनी पीढ़ी आने वाली है, अपने उसको क्या बताएंगे कि गोडावण जो है इस प्रकार का होता है, बस इंटरनेट बचा है, इंटरनेट पे फोटो में स्क्रॉल कर करके दिखाना किस प्रकार की इसकी पूंछ होती है, इस प्रकार का इसका सिर होता है, लेकिन जो चीज़ें लाइव दिखाई जा सकती है, जो चीज़ें उनको दिखाई जा सकती है, जो संरक्षित करके उसको रखा जा सकता है, वो संभव है ही नहीं। ठीक है, तो इसके संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को क्या किया गया था, इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया मरु उद्यान के अंदर, क्या किया गया, इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया। ये प्रोजेक्ट चलाने वाला भारत के अंदर अकेला राजस्थान जो है वो क्या है, प्रथम राज्य है। ठीक है, प्रथम राज्य है, सबसे पहले चलाने वाला, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्य पक्षी के संरक्षण के लिए जो ये परियोजना चलाई गई थी 5 जून 2013 को, और 5 जून को अपने को पता है क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी 5 जून 2013 के दिन, 5 जून 2013 को पर्यावरण दिवस के दिन क्या किया, इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। ठीक है, किसके लिए, इसके गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए चलाया गया, और ये गोडावण पक्षी संरक्षण के लिए चलाया जाने वाला जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर भारत का क्या है, भारत में राजस्थान जो है अपना जो पप्पू राम है वो कहाँ पर आ गया, भारत का राजस्थान जो है वो कहाँ पर आ गया, फर्स्ट रैंक पे आ गया, यानी भारत के अंदर राष्ट्रीय पक्षी के संदर्भ में जो इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया उसके अंदर भारत का कौन सा स्थान है, पूरे राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत के अंदर, तो कौन सा है, फर्स्ट स्थान जो है इसने हासिल किया है। तो ये होगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं। इसके मेन बातें ध्यान रखना, हाड़ौती के अंदर इसको माल मोरडी बोलते हैं, भोजन इसका मूंगफली और तारामीरा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बारे में विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी बात करते हैं कि इसको संकट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको रफ कर दूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि रफ कर दूं। तो इसी को क्या हुआ कि IUCN ने 2011 को क्या कर दिया, रेड डाटा बुक के अंदर शामिल कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट चलाया गया संरक्षण के लिए। ठीक है, अब भाई 2013 के अंदर संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, प्रोजेक्ट तब चलाया गया ना जब इसकी 2013 के अंदर चलाया गया। ठीक है, लेकिन 2011 के अंदर इसको संकटग्रस्त प्रजाति बोल दिया गया था। ठीक है, IUCN जो एक संस्था है जो क्या करती है, किसी जातियों के विलुप्त होने की या किसी जातियों पर संकट होने की कंडीशन को क्या करती है, रेड डाटा बुक के अंदर लिखती है। ठीक है, तो IUCN ने, ठीक है, अपने बोले कि IUCN ने, ठीक है, इसने क्या किया, गोडावण को 2011 में क्या किया था, रेड डाटा बुक और रेड डाटा बुक में किसको लिखते हैं, जो संकटग्रस्त प्रजाति होती है उनको लिखते हैं। तो रेड डाटा बुक में क्या कर दिया गया, संकटग्रस्त प्रजाति बताया गया। ठीक है, तो IUCN ने 2011 के अंदर गोडावण पक्षी को क्या कर दिया गया, संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में देखा, तो इसको क्या किया गया 2011 के अंदर IUCN ने रेड डाटा बुक के अंदर शामिल कर दिया कि ये प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कगार पे है, इसके ऊपर क्या है, संकट आ रखा है, लोग मार मार के इसको खा रहे हैं, इसकी जनसंख्या दिन ब दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको संकटग्रस्त प्रजाति या रेड डाटा बुक में कब शामिल किया गया, तो 2011 के अंदर किया गया था। अब 2011 के अंदर किया गया था, और अभी मैं बता के हटाऊं कि 2013 के अंदर क्या चलाया गया, जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर इसको बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया, इंडियन बास्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया गया। अब इंडियन बास्टर्ड नाम क्यों रखा सर, क्योंकि इसको बोलते हैं शर्मिला पक्षी, और इसको पूरा नाम लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, या अपने इसको मूर्ख पक्षी के नाम से भी ऐसे बोल सकते हैं। मूर्ख पक्षी क्यों, क्योंकि जब भी शिकारी जो है इसको मारने के लिए, शिकार करने के लिए इसके पीछे दौड़ता है, तो इसकी हाइट मैंने बता दिया कि शतुरमुर्ग की तरह दिखता है, 4 फीट लंबी इसकी हाइट है। तो जैसे भी शिकारी इसके पीछे दौड़ते हैं तो ये क्या करता है, अपने शरीर को नहीं छुपाने की कोशिश करता, अपने मुंह को छुपा लेता है। ठीक है, इतनी हाथ लंबी, या अपने एक बोल सकते हैं कि आधा फीट लंबी इसकी क्या हो सकती है, फिट 1.5 फीट लंबी इसकी जो गर्दन होती है,
ये क्या करता है, अपनी गर्दन को छुपा के ये समझ लेता है कि मैं पूरा छुप गया हूँ, मेरे को अब कोई नहीं देख रहा, ठीक है। वो शिकारी आते हैं और इसको मार के खा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन होने के कारण इसको क्या बोला गया, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बोला गया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा शर्मिला टाइप का है, वहीं बैठ जाएगा, भागने की कोशिश नहीं करेगा, उड़ने की कोशिश नहीं करेगा, भागेगा नहीं ज़्यादा, ज़्यादा शिकारी इसके पीछे भागेंगे तो क्या करेगा, थोड़ी दूर पर चलने के बाद में वहीं पर बैठ जाएगा और अपनी सिर्फ मुँह छुपा लेगा, आंखें बंद कर लेगा और वहीं मुँह छुपा के बैठ जाएगा। अब इतना बड़ा है, मुँह छुपाने से छुप जाएगा क्या, नहीं छुपेगा, तो शिकारी क्या कर लेंगे, इसका आसानी से शिकार कर लेंगे। इसलिए इस पक्षी को क्या बोला जाता है, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड बोला जाता है, ठीक है। वहीं बात करें इसके और, तो जयपुर के अंदर क्या हुआ था, गोडावन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया, इसके संदर्भ में क्या किया गया था, गोडावन गोडावन अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, कहां पे किया गया, जयपुर के अंदर किया गया था। ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि इसके संदर्भ के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी रखा जा चुका है, और वो सम्मेलन कहां पे रखा गया था, वो सम्मेलन रखा गया था जयपुर के अंदर, और कब रखा गया था, सन पूछ लेगा तो 1980 के अंदर रखा गया था, कब रखा गया था, 1980 में, यानी गोडावन के संदर्भ में 1980 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हो रखा है, ठीक है, और कहां पे हुआ था, जयपुर के अंदर हुआ था, 1980 के अंदर हुआ था। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था गोडावन के संदर्भ में, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है कुछ, इसका एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद में बात करते हैं कुछ इसके पॉइंट्स जो बच गए हैं उसकी चर्चाएं करेंगे, तब तक पानी पी लेते हैं, अभी आज गर्मी बहुत है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के दायरे से जो भी क्वेश्चन यहां से पुट होंगे वो आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके विशेष तौर पे ध्यान रख लेना, एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको कब मिला था, दर्जा कब प्राप्त हुआ था, तो 21 मई 1981 को इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। और मेन जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ICU ने इसको रेड डाटा बुक के अंदर कब शामिल किया, तो ICUN ने इसको 2011 के अंदर किया गया था, रेड डाटा बुक के अंदर शामिल किया था, क्योंकि रेड डाटा बुक के अंदर वो प्रजातियाँ शामिल की जाती है जो संकटग्रस्त होती है, और गोडावन को लोग मार मार के खा रहे हैं तो वो संकटग्रस्त प्रजाति है, आज के टाइम में गुड़ावन की संख्या जो है बहुत ही कम रहेगी। इसका प्रजनन केंद्र ध्यान रख लेना कि प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पे, जोधपुर जंतुआलय के अंदर है, ठीक है, और जोधपुर जंतुआलय के अंदर है, इसका प्रजनन काल पूछ लिया जाएगा तो अक्टूबर और नवंबर महीना जो है गुड़ावन का प्रजनन काल है। तो आई होप सो गुड़ावन के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, थैंक यू।